भारतीय जनता पार्टी की 39वीं बस गांठ पर हम सब अपने घरों में करें अंधकार। क्या क्रोनोलॉजी है, दीप जला करके कमल खिलाने वाला अब जीप जलवाए हमारे घर में अंधकार करवाएगा और हमसे कहेगा जलाओ दीप, जलाओ टॉर्च, डलाओ मोमबत्ती, ताकि हम इनकी बरसी मनाएं, इनका श्राद्ध मनाएं। का मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। दुनिया और दुनिया भी जान चुकी है नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी। तो आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात सहित देश के मजदूरों की अपनी पुलिसों से, लाठियों से पिटवा पिटवा कर खाल उतरवाई है, उस खाल उतरवाने वाले नरेंद्र मोदी की अपील को खारिज करें। क्योंकि मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हम अपने घरों में अंधकार करके, मोमबत्ती जला करके, हम अपने घर में दीप जला करके और हम अपने घर में मोबाइल की टॉर्च चला करके कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि इसको भी नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के गठन के श्राद्ध के रूप में हम सब लोगों को शरीक करना चाहता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत। आज आप सब लोग जानते हैं कि विश्व के 200 देश जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उनमें से भारत एक है। लेकिन भारत को कोरोना की चपेट में आने के बाद जो सबसे अहम बात का खुलासा हुआ, किस तरीके से भारतीयों और विदेशियों के बीच में मोदी सरकार, मतलब अगर मैं कहूं कि संघ परिवार के दो प्यादे, एक तड़ी पार और दूसरा फर्जी डिग्री वाला चौकीदार, भेद कर रही है इनकी सरकार। भारतीयों और विदेशियों के बीच में एक भेद, दूसरा गुजराती और गैर गुजरातियों के बीच में दूसरा भेद। मैं आपका सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे जब टेलीविजन पर बैठ करके देश को संबोधित करते हैं, आधा घंटे में देश को ताला बंद कर देते हैं। देश में जगह जो जहां था वहां फंस जाता है। भारत के लॉकडाउन के बाद 1500 गुजराती छिपे हुए थे हरिद्वार और देहरादून में। 27 तारीख को राज्य सरकार 1500 गुजराती जो छिपे हुए थे देहरादून हरिद्वार में, उन्हें बसों में बिठाकर 1 करोड़ रुपए खर्च करके इज्जत के साथ गुजरात पहुंचाती है। और गुजरात से, गुजरात में फंसे हुए 100 उत्तराखंड के लोग, वो चलते हैं बस में अपना भाड़ा दे करके, और हरियाणा में खट्टर की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देर रात को हरियाणा के बॉर्डर पर 100 उत्तराखंडियों को देर रात को बसों से उतार देती है। लॉकडाउन से पहले जो लोग अपने घरों में जाने के लिए पुलिस और एसडीएम के चक्कर काट रहे थे, तबलीगी जमात मरकज में फंसे हुए लोग सीमाएं सील थी। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और मोदी सरकार की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। उन्होंने उनको घर वापसी नहीं करने दी। और दूसरी परिणति क्या हुई? दूसरी परिणति यह होती है कि वो लोग, यही नहीं, जब लॉकडाउन होता है तो किस तरीके का भेदभाव है, जब भारत के गैर गुजरात के क्षेत्र के मजदूर भूखे और प्यासे अपने घरों की तरफ वापसी करने की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बस और रेल उपलब्ध नहीं होती है, वो पैदल चलते हैं भूखे और प्यासे, तो मोदी सरकार के राज में उनके शरीर से खाल उतारी जाती है। और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में विदेशी लोगों को बसों में सफर करते हुए इंडिया गेट से और एयरपोर्ट तक जाने दिया जाता है। तो मैं दूसरी बात कर रहा, जब पूरे भारत में लॉकडाउन है और पूरे भारत में जो कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके शरीर की, देह की खाल उतारी जा रही थी। तो पूरे भारत में यूपी के लोगों की, मजदूरों की खाल उतारी गई भूखे प्यासे की, बिहार के मजदूरों की खाल उतारी गई, मध्य प्रदेश के मजदूरों की, उत्तराखंड के मजदूरों की, और तमाम देश के अलग अलग राज्य के मजदूरों की खाल उतारी गई। और गुजरातियों को 1 करोड़ रुपए खर्च करके इज्जत के साथ छिपे हुए गुजरातियों को ढूंढ कर गुजरात पहुंचाया गया। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा।
अब ये सब क्यों आया ये चपेट में भारत, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन 8 दिसंबर 2019 को कोविड 19 का मामला चीन में उजागर हुआ, सरकार अलर्ट होती उससे पहले इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर को 2019 को 15 विधायकों ने कमलनाथ सरकार से बगावत करके अपना अलग ग्रुप बना लिया था और तब मोदी सरकार को और संघ परिवार के लिए भारत कोरोना की चपेट में कल आता हो आज आ जाए, आज आता हो अभी आ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने की कवायद के लिए भारत में कोरोना की अनदेखी की गई। मैं ये पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं आपको। 21 दिसंबर से लेकर के और 23 मार्च तक जिस दिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है 22 तारीख को, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब मोदी जी समझ चुके थे कि हमने एक सरकार बनवानी है और जब हम सरकार बनवा रहेंगे लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के मतदाताओं का अपमान करके कमलनाथ की चुनी हुई सरकार को ढाएंगे तो सड़क पर विरोध प्रदर्शन ना हो उसके लिए पहले तो 16 मार्च को राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध क्यों लगाया? ताकि कहीं कांग्रेस के समर्थन में या कमलनाथ की सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराने का षड्यंत्र है, जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, खरीद फरोख्त का मामला, उसके खिलाफ जनता सड़क पर ना उतरे। और फिर क्या होता है, 4 दिन का वक्त दिया गया। क्या कहा गया? कोरोना के खिलाफ सब लोग एकजुट हो, ताली बजाएंगे, थाली बजाए, घंटी और घड़ियाल बजाए। हम आपके माध्यम से दूसरी बात बताना चाहते हैं कि क्या सच में अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, क्या ताली और थाली बजाने से, क्या घंटी और घड़ियाल बजाने से हमारे देश के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोग के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उपलब्ध हो पाया क्या? नहीं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। और फिर क्या होता है, 22 तारीख के शाम को ताली भी बजती है, थाली भी बजती है, घंटी घड़ियाल बजता है। देश से और कोरोना से कोई लेना देना नहीं था, असल मकसद था नरेंद्र मोदी का अपने अंधभक्तों को एकजुट करने का, और वो एकजुटता का प्रदर्शन का तरीका था। और उस तरीके में क्या हुआ, अब 23 तारीख को देखे क्रोनोलॉजी, जो मैंने कहा कि 21 दिसंबर को जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश की सरकार को ढहाने की, वहां से लेकर 23 मार्च को कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाकर उसके शपथ ग्रहण कराने पर संसद का समापन हो जाता है। उसी दिन हमारे देश में 4 बड़े काम होते हैं। 1, राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली सरकार के द्वारा 50 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने के लिए तय किए गए कानून या नीति या फैसला या उस अध्यादेश का खारिज कर सरकार खुद खारिज करती है। 70 तो दिल्ली के विधायक हैं, फिर उनके सहयोगी विधानसभा के कार्यकर्ता और पत्रकारों की संख्या भी। और इसके अलावा जो साइन बाग में माओं का धरना चल रहा था दिसंबर 2019 से, उसको खत्म करने का तो 4 बड़े काम किए। अब मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जब गुजरात के लोग लॉकडाउन के बाद कहीं फंसे तो उनको इज्जत के साथ उनके घर वापसी के लिए बाकायदा उत्तराखंड सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च करके बसों में बिठाकर उन्हें गुजरात भेजती। ये मैं पूरे भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, ये तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाला चौकीदार गैर गुजरातियों को कितना अपमानित करता है वो हमारे सामने है, और उनको कितना सम्मानित करता है। उनको तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके बसों में पहुंचा जाता है, और बाकी पूरे भारत के मजदूरों को भूखे प्यासे मजदूरों की खाल उतारकर, मतलब अगर गुजराती सड़क पर बसों में बैठकर चलेंगे तो न कोरोना की चेन कायम रहती है न कोरोना का संक्रमण फैलता है। लेकिन गैर गुजराती यदि बस में चढ़ सफर करेंगे, सड़क में पैदल चलते हुए चलेंगे, तो कोरोना की चेन भी बढ़ती है और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाली की सरकार ने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, दूसरा मसला कि अगर गैर मुसलमान गुजराती है तो उनको पूरी छूट है, और मुसलमान
अगर लॉकडाउन से पहले ही सीमा पर सिर्फ अनुमति मांग रहे थे, उन्होंने बस नहीं मांगी। तबलीगी जमात मरकज में फंसे 1000 ज्यादा लोगों ने न गाड़ी मांगी, न घोड़ा मांगा, कुछ नहीं मांगा, अनुमति मांगी थी। पर मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार ने उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी। और तीसरी बात, उत्तराखंड के जो लोग खर्चा करके 100 लोग आ रहे थे, हरियाणा की सरकार ने उन्हें उतार डाला। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने फिर कहा है कि 5 तारीख को आप सब लोगों को अपने घरों में अंधेरा रखना है, और अंधेरा रख करके अंधेरे घर में आपने उजाला करना है। बड़ी विचित्र आदमी है, बहुत विचित्र बात है, ये कौन सा टोटका है? ये कोरोना से निपटने का, कोरोना को खत्म करने का, कोरोना भगाने का टोटका मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये टोटका क्या है मोदी का, एक तो गुजरातियों को 1 करोड़ रुपए खर्च करके इज्जत के साथ गुजरात पहुंचाने का जो षड्यंत्र किया, उससे ध्यान भटकाने का। दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए जो पूरे भारत को कोरोना की चपेट में धकेला, उससे ध्यान भटकाने का। तीसरा, गैर गुजरातियों की खाल से, शरीर से, पुलिस से पिटवा पिटवा कर उनकी खाल उतारने से ध्यान भटकाने का। और चौथा, हमारे देश में जो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं मजदूर, इसको कोरोना की चपेट के बाद, लॉन्ग आउट के बाद, उस सारे मसले से ध्यान हटाने का। और इन सारे मसलों से ध्यान हटाने का, और इसके अलावा अपनी नालायकी, अपनी बेकूबी, अपनी मूर्खता, अपनी अहंकार, अपने पागलपन को छिपाने के लिए चीन से चलिए चीनी कोरोना को हिंदू और मुसलमान बनाने के लिए तबलीगी जमात मरकज पर मुकदमा दर्ज कराने का ये षड्यंत्र है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से एक एक चीज, नरेंद्र मोदी सरकार ये कहती, अभी इलाज के रूप में क्या मिल रहा है, गैर गुजरातियों को लाठी डंडा पुलिस की और जहर छिड़का जा रहा है उनके शरीर पर, और गुजरातियों को बसें मिल रही हैं, विदेशियों को बसों में सफर करके एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मोदी जी बताएं भारत को, सच में अपने हृदय पे हाथ रख के, क्या कारण है, वो क्रोनोलॉजी कौन सी है? जिस दिन तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री नहीं बना, तब तक संसद क्यों चलाई गई उस दिन तक? जिस दिन तक कमलनाथ की सरकार नहीं गिरी, तो कमलनाथ की सरकार गिराने से देश कहाँ जा रहा है, देश कहाँ फंस रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गुजराती परेशान नहीं होने चाहे, बाकी सब लोग मरते रहे भाड़ में जाए, ये दूसरा मामला है। और तीसरा मामला, मैं अब आखिरी बात आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, अच्छा होता और आपसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आप देश को बताएं, आपने कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट के लिए भारत में कितनी लेबोरेटरियों का और विस्तार किया, कितनी और लेबोरेटरी खोली है? आपने इस बीच में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितने नए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की है? आप बताएं सच में अपने हृदय पे हाथ रख के कि भारत में कितने लोग हैं जिन लोगों को आप आज तक आर्थिक मदद पहुंचा चुके हैं? उनका जिक्र मत करना मोदी जी, जो आप कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं जनधन योजना के तहत खाताधारी महिलाओं के खातों में 500 रुपए भेजेंगे, वो मैं इसलिए क्योंकि आप निर्धनों के खाते से आपकी सरकार 15,000 करोड़ से ज्यादा पहले ही लूट चुकी है, डकैती डाल चुकी है, अब डकैती भी डालते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सच में। और एक और सवाल, अहम सवाल आप सब लोगों से, न केवल गुजराती और गैर गुजरातियों में भेदभाव है, न केवल विदेशियों की छूट और विदेशियों और भारतीयों का अपमान और विदेशियों का सम्मान का मसला है, बल्कि एक और अहम सवाल भी, वो सवाल है हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष को किनारे करके पीएम केयर बनाना। और पीएम केयर में ये सुनाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोटी बांटेगा, रोटी बंटवाएंगे, उस रोटी में भी नरेंद्र मोदी का फोटो हो सकता है। तो पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि देश को पहले जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए, अपने दल को लाभ पहुंचाने के लिए, विपक्ष की सरकार गिराने के लिए देश को पहले कोरोना की चपेट में धकेला, उसके बाद पूरे देश को लॉकआउट करके गैर गुजरातियों के शरीर से, पुलिस से पिटवा पिटवा कर खाल उतरवा डाली और गुजरातियों के लिए पूरा अपना खजाना खोल डाला, और हमारे देश में जानबूझ करके अपनी सारी नालायकी और मूर्खता और बेकूबी को ढकने के लिए, हमारे देश में कोरोना को हिंदू मुसलमान बनाने के लिए जमात मरकज पर, तबलीगी जमात मरकज पर मुकदमा बना डाला। इन सब चीजों को आप सब लोगों को शिद्दत के साथ सुनना और समझना चाहिए। और मेरा आप सबों से आग्रह, जो मेरी बात से सहमत हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सब लोगों तक पहुंचाएं कि देश में अभी तक सच में अरबों खरबों रुपए इकट्ठा करने के बाद
क्या सच में मोदी जी ने आपको कोई आर्थिक मदद पहुंचाई या सिर्फ पुलिस की लाठियां और इसको हिंदू मुसलमान बनाने में और गुजरातियों को इज्जत के साथ वापस गुजरात पहुंचाने के अलावा कोई बड़ा काम किया है कि नहीं? ये बात आप सब लोगों तक जरूर आपको पहुंचाए अपने कॉमेंट्स में। धन्यवाद।